इसका देखिए इसमें इसके जो है मसल्स यहाँ पे ज्वाइंट रहते हैं यहाँ पे, इसको आप काट सकते हैं यहाँ से, ये काट देंगे तो ये ओपन हो, इसके पहले नहीं, यहाँ से आप काट देंगे ना किसी को, ये वाला आपने नाइक रहता है वैसा, यहाँ से हम काट देंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा, ये हो गया ओपन, ठीक है। अब ये एक से दो घंटा इसकी ये जो एनिमल की जो लेंथ है जिंदा रहेगी, एक दो घंटा टिश्यू भी लाई, एनिमल भी लाई, एनिमल लाई था। अब इसमें अब ध्यान देना है कि टिश्यू के नीचे का पार्ट हमारे काम का है, समझ रहे हैं? नीचे वाला पार्ट ही वो नेकर बनाता है, अपर वाला नहीं बनाता। इसके जो डाउन में है वही, इसके जो डाउन में है वो शेल बनाया, ये शेल किसने बनाया? उसी ने बनाया, ये शेल का जो शाइन है वो उसी से आया है, तो उसी में से हाँ। अब इसकी जो मेन लेंथ है वो देखिए, यही वाली जो मेन है यही है, ये जो दिख रही है वाइट वाइट यही है, इसी के ये जो फ्रंट का ही रहता है ना तो वही बनाता है, बैक का कम बनाता है, फ्रंट वाला ही आगे। अब हमें इसको कट करना है, जो वेस्टेज है उसको निकाल देंगे, तो इसका ये नाइफ बनाया गया है, इसको हम अब जो मैडम ने दिखाया था छोटी छोटी टिश्यू नहीं दिखा था लास्ट में आप देखें, इसी को कट कर दें, अभी जैसे कट हो गई है देखिए चेंज हो गया मूड, तो ये इसका मेन है पीछे, जो नीचे वाला है वो नीचे वाला है वही नेकर देगा, और ये आप सिर्फ सिंगल भी इसमें डालेंगे ना तो नॉन न्यूक्लियेट है, आपको न्यूक्लियस डालने की जरूरत नहीं, पर्ल बनेगी। इसको हम स्क्वायर में काटेंगे, कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो, प्रैक्टिस के ऊपर होता है, हम मेरी भी नहीं है, मेरी वाइफ की है, वो ये काम करती है अच्छी तरह से, इसीलिए मैं ये काम करने को भागता हूँ, ये मेरे को नहीं समझ में। अब देखिए यहाँ पे साइंस को आगे बढ़ाना, देखिए हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो साइंस नहीं है, साइंस एवरी डे डेवलप होता है। इस टिश्यू को आप दूसरे एनिमल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, इसी के साइंस कहते हैं, साइंस का अनलिमिटेड होता है, आप इस टिश्यू को और ज़्यादा यूज कर सकते हैं, तो ये एक साइंस, आप इस टिश्यू के साथ दूसरा भी खेल। अब इस टिश्यू को आपको इतने टिश्यू आपके पास एक एनिमल को काटने पर इतने हो जाते हैं, अब ये वेस्ट हो गए, इसको निकालिए, काम का नहीं है। अब ये सीड का काम करेगा, ये सीड का काम, अब इसको आप गोनाडल में डालेंगे और वहाँ पे टिश्यू और न्यूक्लियस, तो वो उसको नेकर प्रोवाइड करेगा और राउंड पर। हाँ हाँ, इसको हम तो चाहेंगे कि बड़ा वाला भी और खोले और इसका भी कुछ काम है। अभी अब देखिए इतना अच्छा सॉफ्ट है ना, तब मैं बता दूँ, हाथ लगाने से ऊपर नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, ये जो है इसको अभी पंचर करेंगे, इसका पंचर बनाएंगे, इसको पंचर करेंगे, ये यहाँ पे इसका, और ये जिंदा रहता है ना सर, वहाँ पे हल्दी होगी देखिए, वहाँ रखा है विंडो पे, हाँ हल्दी हल्दी उसका, हाँ जैसे वो ये दिखता नहीं है, पंचर हो गया दिखता नहीं है।
तो इसके वजह से दिखेगा तो हाँ यहाँ पे ईओसिन लगता है हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से वो ला नहीं पाए ये शॉर्ट टूटेगी। अब यहाँ पे टिश्यू के लिए हमने एक बनाया, ये देखिए टिश्यू उठाने के लिए ये बनाया। देखिए जरूरी नहीं, कई बार सामान नहीं होते हैं, आप तुरंत बना सकते हैं। अभी टिश्यू उठाना है आपको और इसके साथ कटा नहीं है तो दो आगे टिश्यू। अब ये टिश्यू इसके अंदर इंसर्ट करना है, टिश्यू और ये आइस का काम होता है, आइस जिसकी अच्छी। अब ये न्यूक्लियस हम बनाते थे, 3 महीने में आइस खराब, फिर हमने एक बच्चे को दिया उसकी आइस खराब, फिर हमने कहा ये बनाएंगे अच्छा हुआ ज़्यादा मत बनाएंगे तो आपके आइस खराब। उसमें हमने यही कहते हैं एजुकेशन होना चाहिए, तो ये इससे हमारे आइस खराब होगा। अभी हमने हाँ हाँ लिक्विड जाएगा और डालना ही टिश्यू के साथ, टिश्यू के बाद, टिश्यू के बाद लिक्विड और ये इस न्यूक्लियस को इसके अंदर डालेंगे। और ये न्यूक्लियस उसको छोड़ के आता है वाटर में, आप ऐसा ये मेरे पेशेंस का काम है। और फ्री होके आप सीखिए 1 दिन 2 दिन 4 घंटा तो आपको आ जाएगा। सर यहाँ पे ये इतने अच्छे से ओपन है सर, लेकिन उसकी दूध छोटा था। हाँ इसीलिए एनिमल बड़ा, इसीलिए हम लोग भी अच्छा बनाने सब नहीं कर पाए। अगर इसमें नीचे जो टिश्यू है दो ग्राम डाले तो नहीं। हाँ 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 ये यही साइंस है, इसको साइंस के दो डालो या पहले ही लपेट लो, ये सब अलग अलग है। ये सब इसको एक ही जगह से उसको आएगा तो। और ये टिश्यू जो है ना, ये जो साइज नहीं छोटा अच्छा रहता नहीं, दोनों का है प्रॉब्लम, डोनर डोनर और रेसिपी दोनों एक जैसे होते जैसे होगा वो देगा और जिसको देंगे वो मर, वो बूढ़ा होगा तो वो उसके काम नहीं आएगा, दोनों का एक। सर जैसे कि ये एक शैल है और ये शैल है तो ये दोनों डोनर रेसिपिएंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, जैसे बड़ा होता है ना तो इसकी एज कम होती जाएगी, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि रिवर्स में से कलेक्शन होता है। जितना बड़ा होगा उतना ओल्ड ओल्ड भी होगा, लाइन्स ऑफ ग्रोथ से एज कैलकुलेट करते हो। जितना छोटा होगा तो उसको उतना टाइम लगेगा पर्ल की इसको पंक्चर करेंगे, देखिए कहाँ कर रहे हैं। अच्छा ये तो ये पंक्चर करने में ये जो डेड है ना तो होने नहीं देता है, जैसे लाइव है ना तो होने देता है, जो डेड बॉडी में नहीं होता जल्दी पंक्चर, तो ये इसीलिए लाइव वाले में आराम से पंक्चर हो जाता है थोड़ा सा। इसको गोनाडल एरिया, हाँ ये गोनाडल एरिया, गोनाडल एरिया ये इसमें गोनाडल है ना। अब इसमें टिश्यू डालना है, ये यहाँ पे टिश्यू भी जाएगा और न्यूक्लियस भी जाएगा। अब आप लोग करेंगे क्योंकि आप टेक्निकल पार्ट है जिसको इसमें संभाल के करना है। 2-3 घंटे में हमारे पास टाइम नहीं है। इसमें कौन सा लेयर ऊपर रहेगा कौन सा नीचे बनवाने जी बताइए। ये जो है वैसे इसमें चला जाता है अंदर साइड, और ये क्या करता है राउंड बीट्स को घुमाते घुमाते वो, और जब सीक्रेट करता है तो उसी के ऊपर ही जाएगा क्योंकि बाकी पड़ोसी वही है। और राउंड आप इधर आ जाइए, मतलब निकल जा रहे क्या क्या हम लोग बताते हैं बच्चों से, क्रिएट करेगा ही ना अगर उसको नहीं।
नीचे भी रखेंगे तो वो सिक्रेशन तो यहीं से आएगा ही ना, तो वो सिक्रेट करके और फॉरेन बॉडी तो वही है तो उसी के पास ही जाएगा। छोटे में हमेशा करना चाहिए जो पर्ल जिस वो जो लेयर है वो बाहर वाला ऊपर की तरफ और उसके जस्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। मैम जब ये बंद रहेगा तो कैसे इसको वही तो है एक्सपर्टीज उसी को तो आपको सीखना है। बट ये छोटे वाले का नहीं करना है, बड़े वाले का मैक्सिमम छोटे वाले का करना है। 10 cm वाले का नहीं करना है ना कोनेडल, टोनर यूज़ करेंगे बड़े वाले का और ये इसे रेसिपिएंट करेंगे, इसमें इंसर्शन करोगे।